नमस्कार, टेक्निकल एसजी यूट्यूब चैनल में सभी को स्वागतम। आज एनसीबीटी की तरफ से डीजीटी ने रिजल्ट अपलोड कर दिया है। मैंने पहली वीडियो में जो बताया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत ही जल्दी आप लोगों को रिजल्ट पब्लिश कर देगा, तो उसी के हिसाब से आज रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारा जितना भी आप लोगों का सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट में आप लोगों का जो मार्क्स है मार्क्स को अपलोड कर दिया है। अभी रिजल्ट फाइनली रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन आप अपने खुद का मोबाइल से मोबाइल फ़ोन से आप लोग आपका मार्क्स जो है वो आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, 700 नंबर का एग्ज़ाम है। ये लड़का जो इसका ये रिज़ल्ट है, ये इसका जो मार्क्स है मार्क्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये सारी की सारी जो जितना भी सब्जेक्ट है यहाँ पर आप लोगों को मार्क्स दिया गया है। तो आप लोग कैसे रिज़ल्ट जो है रिज़ल्ट को चेक करोगे वो मैं अभी थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो को देखते रहेगा। और तो आप लोग गूगल भी कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग जो एनसीबीटी मार्कशीट वेरिफिकेशन ऐसा आप लोग लिखोगे तो उसके बाद सर्च कर देना, ठीक है। तो सर्च करने में ऐसा आप लोगों को एक जो ऑप्शन आएगा मार्कशीट वेरिफिकेशन, ठीक है, एनसीबीटी एमआईएस, तो उसी पर क्लिक करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग क्लिक करेगा तो ये पेज आप लोगों को खोल के आ जाएगा। ये पर आप लोग देखिएगा, ये होम पेज जो है होम आईटीआई ट्रेनी, यहाँ पर आप लोग अगर इंटर करना चाहते हो, लेकिन उसमें अभी थोड़ा पोर्टल में डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट गूगल से आते हो या फिर आपका आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ पर आप लोग चेक कर रहे हो तो आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में चला जाओगे तो आप लोग देखिएगा, मैं जो क्या है कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट है रिज़ल्ट को चेक करके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप लोगों को चेक करना है। यहाँ पर जो यहाँ पर पहले आप लोगों को रोल नंबर देना है, ठीक है, रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आप लोगों को डालना है। इसका जो पहले जो 00 है 00 को आप लोगों को देना है, ठीक है, 00। उसके बाद जो क्या है कि आप लोगों का जो रोल नंबर है रोल नंबर को आप लोगों को डालना है। उसके बाद जो क्या है कि इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद सीधा दाएं तरफ आ जाना, ठीक है, नीचे की तरफ। आप लोग इसको पहले सिलेक्ट मत कीजिएगा, इसको पहले सिलेक्ट मत कीजिएगा, अगर सिलेक्ट किया तो आप लोगों को जो रिज़ल्ट है रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसके पहले आप लोगों को एग्ज़ाम सिस्टम जो है एग्ज़ाम सिस्टम को आप लोगों को सिलेक्ट करना है, एनुअल करना है, ठीक है। यहाँ पर एनुअल और सेमिस्टर दोनों ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को। जो एनुअल है एनुअल में आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप लोग एनुअल में सिलेक्ट किया, क्योंकि आप लोगों का एनुअल सिस्टम का एग्ज़ाम है, अभी वन में सिलेक्ट करना है क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करने के बाद सर्च बटन में क्लिक कर देना है, ठीक है। तो क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों को देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को जो रिज़ल्ट है रिज़ल्ट आप लोगों को आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को जो डिटेल्स है डिटेल्स आ जाएगा, कौन सा कॉलेज में एग्ज़ाम है और ओवरऑल रिज़ल्ट आपका क्या है, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। पास है पास आप लोगों को दिखाई दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा टेट थ्योरी का जो टेट थ्योरी लिखा गया है, यहाँ पर आप लोगों को जो टेट थ्योरी, यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, मिनिमम पास मार्क्स जो होता है 33 होता है, तो यहाँ पर मिला है 71। और जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 50 नंबर का होता है, 17 नंबर पे पास मार्क होता है, और उसका जो मार्क्स मिला है 35 मार्क्स, ठीक है। वर्कशॉप कैलकुलेशन 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर भी 17 जो नंबर है उसमें पास मार्क्स होता है, और उसमें भी 35 मतलब कि एक गढ़ नंबर दिया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग ये एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, 50 नंबर का एग्ज़ाम है, उसमें 17 नंबर जो है कि पास मार्क्स है, यहाँ पर 36 नंबर मिला है। और ट्रेड प्रैक्टिकल 250 नंबर में प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पर मिनिमम पास मार्क्स होता है 150 नंबर का, ठीक है, 150 नंबर का आप लोगों का पास मार्क्स होता है, तो वहाँ पर इसको मिला है 240 मतलब कि 240 मिला है उसको। और यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो एनएसक्यू लेवल 5 में अभी क्या है कि जो ऐड किया गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है आप लोगों को अगर पूछना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा फॉर्मेटिव असेसमेंट में कैसे होता है और उसमें जो नंबर है नंबर कैसे आप लोगों को ज़्यादा मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं बता दूंगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है कि इसका जो मार्क्स है मार्क्स को कौन देता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स, और वो मार्क्स ज़्यादा कैसे मिलेगा, ये आप लोगों का अगर जानना है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि वीडियो चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स है, 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है और 120 नंबर इसका पास मार्क्स है, मिनिमम पास मार्क्स, इसमें भी 178 मार्क्स मिला है, ठीक है।
तो इसका जो ओवरऑल टोटल जो मार्क्स है 700 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 700 नंबर का एग्ज़ाम होता है, और जो क्या है कि उसमें टोटल मार्क्स मिला है 595, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो क्या है कि जो लास्ट आपका अगर कुछ भी जो ग्रीवेंस अगर सबमिट करना है, ठीक है, मतलब कि आपका लगता है कि इससे भी ज़्यादा आपका मार्क्स होगा, तो आप लोग क्या है कि ग्रीवेंस अपलोड कर सकते हो, उसका भी डेट दिया गया है, ठीक है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। जो क्या है कि 6 जनवरी से ग्रीवेंस जो क्या है कि स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने वीडियो में बता दिया है आप लोगों को, जो ग्रीवेंस का एक वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग वहां पर जाकर आप लोग कैसे ग्रीवेंस आपको डालना है, कैसे कंप्लेंट करना है डीजीटी को, वो आप लोग देख सकते हो वहां पर। आप लोग जो क्या है कि आप लोग देख के जो आपका जो ग्रीवेंस है, जो आपका बताना है, कमेंट करना है, तो आप लोग डीजीटी को डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका जो रिज़ल्ट सबमिट करने का जो प्रोसेस है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि होम पेज में मैं क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि वो नहीं खोल रहा है। लेकिन क्या है कि आज पूरा देश में अभी चेकिंग हो रहा है, पूरा देश में चेकिंग हो रहा है, रिजल्ट चेकिंग हो रहा है, इसलिए ये नहीं खुल रहा है, डायरेक्टली नहीं खुलेगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो लिंक है, लिंक में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ही खुलेगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखा है आप लोग, इसलिए धन्यवाद। तो आप लोगों को जो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मैं पहले देता हूँ, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही।